क्वेश्चन है, गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, एस आपको पता है, इफ ही अप्लाईज अ फोर्स ऑफ, भाई अगर फोर्स 20 kg वेट है तो फोर्स को लिखेंगे 20 × 9.8 N, और डिस्टेंस एस की वैल्यू भी पता है कितनी, 20 m, इन द डायरेक्शन यानी कि एफ और एस के बीच में डायरेक्शन भी पता है 60 degree, फाइंड वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लो, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ की जगह 20 × 9.8, एस की जगह 20 और कॉस ऑफ कितना 60, सॉल्व कर लो आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक, नेक्स्ट करते जाओ। नेक्स्ट है, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो एक साइक्लिस्ट है और वो साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, वो साइक्लिस्ट ना स्किड कर रहा है, 10 m तक अपने साइकिल को स्केट करता है, और इस प्रोसेस में फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 N, ये 200 N है क्या, सड़क ने जो साइक्लिस्ट पे फोर्स लगाई उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, सड़क तो रोकने की कोशिश कर रही है तभी तो स्केटिंग हो रही है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है कितनी, 200 N, स्लाइडिंग बोल रखा है उसने, और वो क्या कह रहे हैं इसमें 10 m तक डिस्प्लेसमेंट है, आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैंने बताया था अमाउंट ऑफ वर्क डन का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रिक्शन 200 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है, माइनस 2000 J इज द आंसर, तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव में पुट करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क डज साइकिल डू ऑन द रोड, क्यों, क्योंकि उसका वेट भी नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट तो उसकी राइट की तरफ है, तो एंगल उनके बीच में 90, कुली वाला केस है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसकी परपेंडिकुलर जा रही है, तो 90 एंगल की वजह से वर्क डन 0, ठीक। वो स्किड कर रहा है, स्किड करने में देखो वो क्या फोर्स लगाता है, कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ ब्रेक को लगा रहा है फोर्स एक्चुअल में, तो और कुछ भी नहीं कर रहा, वो पैडल मार नहीं रहा स्किडिंग में, ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक की तो क्या ही फोर्स है, अपना वेट है उसका, वेट 90 degree पे है तो वैसे ही फोर्स 0 है ना, 90 degree पे, फ्रिक्शन है, ये नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कर चुके हैं, ध्यान आगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो गया, कैसे करना है ये एग्जांपल दे दिया, कैसे इसको हम FDX लेते हैं स्मॉल एरिया, और फिर बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाया जिस किताब से लिया है, एक्चुअल में तो ये बहुत छोटा छोटा एलिमेंट था तो उसने ज़्यादा बड़ा हवा भी बना दिया, सही नहीं है, पर आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ से इसने रिजल्ट निकाला FDX की इंटीग्रेशन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बुक की लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज में FDX XI से XF क्लियर है, और बुक की लैंग्वेज में F डेल्टा X को क्या पुट किया, लिमिट डेल्टा X अप्रोचिंग टू 0 हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा X अप्रोचिंग टू 0 यानी कि पहले उसने इंटरवल बड़ा ले लिया डेल्टा X, इसको फिर छोटा कर दिया, छोटा करने में डेल्टा X क्या बन जाता है DX, याद है फर्स्ट लेक्चर लिमिट डेल्टा X अप्रोचिंग टू 0 का मतलब क्या है, मतलब आप सिर्फ लिखने के लिए करना यही है आपने, और वर्क डन क्या है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, हाँ समेशन का मतलब है अगर तुम बड़े एरियाज लेते हो तो ऐड करते हो, पर अगर बहुत छोटे लेते हो तो इंटीग्रेट करते हो, तो डेल्टा एक्स को पहले डीएक्स में कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये क्वेश्चन है।